मुतालिक हैं कि आपने एक बड़ी कामयाब फिल्म के जो डायरेक्टर और उनकी टीम है उनको यहाँ पे इनवाइट किया है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे। आप सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए सिनेमा या फिल्म जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मीडियम है अपने मैसेज को कन्वे करने का, और अभी आजकल के दौर में तो कुछ कम हो गया है। आज से कुछ साल पहले तक तो ये सबसे बड़ा जरिया था अपना मैसेज तक पहुंचाने का। और फिल्म जब से आई है इस दुनिया में उन्होंने इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़े असरात मुरतब किए। वो सोशल रिफॉर्म्स का एजेंडा हो, वो कोई और बहुत सारे एजेंडा जो है उसके पीछे होते हैं, लेकिन मुआशरे को ट्रांसफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा किरदार सिनेमा का है। हमारा जो दौर होता था हमारे बचपन और नौजवानी का, उसमें पाकिस्तान में जो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं एक डिफरेंट दौर था। उसके बाद हमने देखा कि सिनेमा जैसे बिल्कुल मर गया है इस मुल्क में, और अभी कुछ सालों में दोबारा से रिवाइव हुआ है एक नई शक्ल में। तो नई कहानी है, नई डायरेक्शन है, नई टेक्नोलॉजी है, नया अंदाज। और मैं आज की जो ये बात जो है ये सिर्फ फिल्म पे पैसा कमाने का जो बिहेवियर है उससे ज्यादा नहीं होती। पैसा भी ठीक कमा रहे हैं, लेकिन जो रिव्यूअर्स होते हैं उनके कमेंट्स की रोशनी में ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो मैं नाब शर्मा साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, यहाँ पे वेलकम भी कहता हूँ, और उम्मीद है कि आपका यहाँ का दौरा जो है अच्छा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खास तौर पे जब हम कम्युनिकेशन स्टडीज के स्टूडेंट्स और साथियों से मुखातिब हैं तो हमारा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो मैसेज क्या था जो आप देना चाहते थे फिल्म के जरिए से, और उस मैसेज को फिर आपने कैसे पर्दा स्क्रीन पे जो है वो कन्वर्ट किया। तो इसकी टेक्निकलिटीज अपनी जगह, वो भी सीखने में हमारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ये सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं कि मैसेज को किस तरह से आप एक पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं और फिर मैसेज तक पहुंचाते हैं और मुआशरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन दे दी और हम यकीनन ये सीखना भी चाहते हैं, ये जानना भी चाहेंगे कि किसी मैसेज को आर्ट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है।